प्रदेश के यशस्वी और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन बडोली जी का कैथल जिले के अंदर आगमन हो रहा है और उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल ने 12 तारीख को सुबह 9 बजे वृंदावन गार्डन में उनके स्वागत का एक कार्यक्रम रखा है और उस स्वागत कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नवीन जिंदल जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कैथल जिले में आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश है और जो ये कार्यक्रम होगा ये बड़े उत्साह के साथ एक पर्व की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पर्व की तरह इस कार्यक्रम को मनाएंगे। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन बडोली जी 12 तारीख को, 12 अगस्त को सुबह 9 बजे वृंदावन गार्डन में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी बारे ये प्रेस वार्ता आपके साथ रखी गई थी और जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल सामने खड़ा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह और एक अलग एनर्जी आएगी और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार काम करेंगे कि कैथल जिले की चारों की चार सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और चारों की चार विधानसभाओं में कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। आप सभी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से और कैथल जिले की सम्मानित जनता से ये अपील करता हूँ कि आप सब इस स्वागत कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, उनके संबोधन को सुने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मनीष जी, विधानसभा चुनाव की बात करें, बहुत नजदीक समय है, किस तरह की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। जब भी कोई चुनाव खत्म होता है उससे अगले दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की पूरी तैयारी है। हमने पहले भी चुनाव जो मिलकर लड़े हैं, सब इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ चुनाव लड़े हैं और उन चुनाव के अंदर जीत भी दर्ज की है। जिले में कहां-कहां पर तिरंगा यात्रा? देखिए, एक अलग कार्यक्रम भी है जो 11 से 14 के पार्टी ने अलग अलग कार्यक्रम भी रखे गए हैं, हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, उसके बारे में राम प्रताप गुप्ता जी भी आपको बताएंगे। और मेरे को केवल विशेष रूप से आपसे यही निवेदन है कि जो हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन बडोली जी का स्वागत कार्यक्रम है कि उसके बारे में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कई जगह जहाँ से आएंगे रास्ते में अनेकों अनेक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाएं उनका स्वागत करेंगी, वो यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद एक दो और अन्य कार्यक्रम है उनमें भी वो शिरकत करेंगे। देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के उच्च संगठन का विषय है, जैसा भी वो हमें आदेश करेंगे उसी प्रकार से हम संगठन को चलाने का काम करेंगे। आज हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष मनीष जी आए हैं मेरी कुटिया में, इनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आप सब मीडिया प्रकोष्ठ का, मेरे साथियों का बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ आए। मेरे एक बुलावे पर आपने अमूल्य समय अपना यहाँ निकाला। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी सोमवार को 12 तारीख को हमारे कैथल में आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए सारी बातें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई हैं। अब मैं अपनी तरफ से एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि हमारे 10 तारीख से 14 तारीख सारे प्रदेश में, सारे भारत में तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा की तैयारियां हो रही हैं और हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाने जा रहा है, जो कि हमारे यहाँ भी कैथल भी हमारी सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 14 तारीख को सुबह 10 बजे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी उच्च स्तरीय टीम है, पूरे अपने दल बल के साथ तिरंगा यात्रा की तैयारी में है। सभी लोग अपने अपने साथियों के साथ, जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारी पार्टी का एक एक शीर्ष नेतृत्व से नीचे से ऊपर तक, सभी 14 तारीख को जिम खाना क्लब में से यात्रा शुरू होगी
जो वहाँ से अंबाला रोड से होते हुए, सेक्रेट से होते हुए, करनाल रोड से होते हुए वापसी की ओर आएगी, और उसमें मैं सभी को अपने कैथल की जितने भी हमारे हल्के के प्रदेश के जितने भी साथी हैं, मैं यही कहूँगा कि सभी बढ़ चढ़ के भाग लें, सभी उस तिरंगा यात्रा में आएँ, और घर घर तिरंगा वाली जो योजना है, किसी को भी कोई भी अपने घर पर तिरंगा लगाना है, पार्टी कार्यालय से ले लें, नहीं तो मेरे से ले लें, किसी बात की भी कोई कमी नहीं है। हर ढंग से, हर सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक ये संयुक्त तिरंगा यात्रा है, किसी की निजी तिरंगा यात्रा ना होके पार्टी की एक तिरंगा यात्रा है, जिसमें सभी हमारे जितने भी हमारे साथी हैं सभी मिलजुल कर इसको कामयाब करेंगे, और आप सब साथियों का यहाँ आने पर तहे दिल से धन्यवाद। गांव के दौरे मेरे चले हुए हैं 3 दिन से, जैसे मैंने गांव की हैं तो एक दिन में 7-8 गांव मैं निकाल देता हूं, लगभग भी हैं। तिरंगा यात्रा का भी मैसेज दिया, और वैसे भी अपनी पार्टी की का प्रचार किया, हमारे मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये अगर कुछ ऐसा है भी तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि लोग कुछ विश्वास और आस्था अगर मेरे में रखते हैं, तो मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा छत्ती बिरादरी को कि जो विश्वास व आस्था उन्होंने मेरे में रखी है, मैं उनकी आस्था को, विश्वास को ठेस नहीं कहीं पहुँचाऊँगा, उनके सपनों को साकार करने का प्रयास उनका बेटा, उनका भाई करेगा। ठीक है, शुक्रिया सर, धन्यवाद।